नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। ये देखिए, मेरे पास दो मुखौटे रखे हुए थे और इनका कलर भी फेड हो गया है और ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो ये देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है और इनका इनमें थोड़ा सा क्रैक भी आ गया था, तो मैंने वॉल पुट्टी से उस क्रैक को फिल कर दिया है और अब इसमें मैं पेंट करने वाली हूँ और इसे पेंट करके एक नया लुक दूंगी। तो इसके लिए मैंने एक्रेलिक पेंट लिए हैं और ये ब्रश ली है और इनकी हेल्प से मैं इन्हें पेंट कर दूंगी। स्किन को कलर करने के लिए मैंने ब्राउन कलर में व्हाइट कलर को मिक्स करके ये कलर तैयार किया है। आँखों और मूछों के लिए ब्लैक कलर का यूज़ किया है और इसी तरह से मैंने रेड, ग्रीन, गोल्डन सारे वाइब्रेंट्स कलर का यूज़ किया है। तो कलर होने के बाद इस DIY का बिल्कुल लुक ही चेंज हो गया है और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो आप भी किसी भी अपने पुराने सामान को कलर करके उसके लुक को चेंज कर सकते हैं और उसे सुंदर बना सकते हैं। Thank you.
मैंने कुछ गोल्डन एक्रेलिक पेंट की हेल्प से कुछ डॉट्स और लाइनिंग बना दी हैं, जिससे ये और भी सुंदर निखर गए हैं। और आपने देखा था पहले ये किस तरह के दिख रहे थे, और पेंट होने के बाद ये दोनों मुखौटे कितने सुंदर दिख रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। दूसरे DIY के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी की पुरानी उर्ली ली है, और इसे मैंने पहले भी किसी DIY में यूज़ किया था, और इसे अब पेंट करके मैं एक नया लुक दूंगी। तो उसके लिए मैंने ये वाइट वॉल पेंट लिया है, और इससे मैं इसे अच्छी तरह से पेंट कर लूँगी और सुखा लूँगी। फर्स्ट कोट सूख चुका है, और सेकंड कोट के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन ऑयल पेंट लिया है, और पहले इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाना है और उसके बाद ही इसे यूज़ करते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से बाहर से अंदर से इसे पेंट कर लूँगी। और मिट्टी के बर्तनों पर ये ऑयल पेंट काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, बिल्कुल नहीं उतरता है, और ये लगने के बाद एकदम पीतल का लुक देता है। पेंट करने के बाद मैंने इसे ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया था, क्योंकि ऑयल पेंट सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है। और जब ये सूख गया है तो आप इसका लुक देख सकते हैं, बिल्कुल पीतल का लुक दे रहा है और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और इसमें पानी डालने से भी ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें ऑयल पेंट का यूज़ किया है। और इससे आप अपनी सेंटर टेबल या फिर घर के किसी भी कॉर्नर को सजा सकते हैं। इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी डाल सकते हैं, या फिर फ्लोटिंग दियाज भी डाल सकते हैं, या फिर रियल फ्लावर्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से अपने घर के सजाया है इससे। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।